और जैसे कि आप सब जानते हैं, यह है सुहाना का घर और अभी यहाँ पर सब सो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। और तभी गुड्डू उठ जाता है। पानी, पानी, मम्मा पानी, प्यास लगी, प्यास लगी, चोरों की प्यास लगी। हाँ। अच्छे रुको गुड्डू बेटा, मैं तुम्हें अभी पानी ला कर देती हूँ। सीता बहू, मुझे भी एक गिलास पानी पिला दो, बहुत जोर से प्यास लगी हुई है। अरे हाँ माँ जी, आपको भी पानी देती हूँ। चलो सबको पानी पिला देती हूँ। अरे ये क्या, पूरे बर्तन सूख गए हैं, एक भी बर्तन के अंदर पानी नहीं है। अरे नहीं, चलो अब मुझे कुएं में से पानी लेकर आना होगा। माँ जी, गुड्डू, गायू, तुम सिर्फ 5 मिनट इंतजार करो, मैं कुएं में से पानी लेकर आती हूँ। चलो आज मैं अकेली ही पूरा पानी भर लेती हूँ, वैसे भी अभी दीदी प्रेग्नेंट है, उन्हें पानी नहीं भरना चाहिए। और सीता कुएं में से पानी लाने के लिए जाने लगती है। अरे कोई तो पानी पिला दो, मेरे टप में तो एक बूंद पानी नहीं है। और तभी पायल उठ जाती है। अरे कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, सुबह सुबह सूरज निकल गया है। अरे मुझे तो बहुत जोर से पानी की प्यास लगी है, चलो किचन में जाकर पी लेती हूँ। अरे ये क्या, एक भी बर्तन के अंदर पानी नहीं है, सारे बर्तन सूखे पड़े हैं। अरे ये क्या, सीता भी अपने बेड पर नहीं दिख रही है, ऐसे लगता है सीता सुबह सुबह पानी लाने के लिए गई है कुएं में से। अरे नहीं बेचारी सीता, अकेली इतना सारा पानी कैसे क्या भरेंगी। चलो मैं भी सीता की हेल्प कर देती हूँ, मैं छोटी ही कल से उठा लेती हूँ। चलो अब जाती हूँ कुएं में से पानी लेने के लिए। और तभी सीता आ जाती है। अरे दीदी, कुआं सूख गया है, कुएं में पानी नहीं है। अरे सीता, तुम ये क्या कह रही हो, और तुमने अपने हंडे में पानी लेकर क्यों नहीं आया है। अरे दीदी, बहुत ही बुरी खबर है, पानी का कहर पड़ गया है, पूरे गांव में पानी कहीं पर भी नहीं है। हम जो कुएं में से पानी लाते थे, वो कुआं भी सूख गया है। दीदी अब मुझे बहुत फिक्र हो रही है, देखिए ना, घर में तो श्याम जी और राहुल जी भी नहीं है, अब हम पानी का कहाँ से इंतजाम करेंगे। माँ जी, गुड्डू और गायों को बहुत जोर से प्यास लग गई है, ये तो बहुत ही बुरी खबर है, अगर कुएं का पानी सूख गया है तो फिर हम पानी कहाँ से लेंगे। अरे जिसका डर था वही हुआ, हमारे गांव में पानी का कहर पड़ गया है। हाँ, अरे अरे सीता, सच कहूँ तो मुझे भी पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। और यहाँ पर गुड्डू जोर जोर से रोने लगता है। पानी, पानी, मम्मा पानी, जल्दी जल्दी दो। अरे ये क्या दीदी, गुड्डू तो रो रहा है, अब मैं इसे चुप कैसे बिठाऊं, अब मैं इसे कहाँ से पानी लाकर पिलाऊं। अरे सीता, ज्यादा परेशान ना हो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ, तुम जाओ जब तक गुड्डू को चुप करा दो। दीदी मैं गुड्डू को कुछ देर तक तो चुप करा सकती हूँ, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे। और यहाँ पर गुड्डू रोते रोते ही सो जाता है। अरे देखो मम्मा, गुड्डू तो रोते रोते ही सो गया है, आप गुड्डू को पानी क्यों नहीं दे रहे हो। अरे सुहाना बेटे, हमारे घर में पानी ही नहीं है, इस कड़कती गर्मी ने सारे कुएं का पानी सोख लिया है। क्या मम्मा, कुएं का पानी सूख गया है, अरे फिर हम अब पानी कहाँ से लेकर आएंगे। अरे नहीं, ये तो बहुत ही बुरी खबर है, अब कहीं पानी का काला पड़ जाए, इससे तो सारे जानवरों और इंसानों को खतरा है। हे ऊपर वाले, अब तू ही पानी बरसा दे, पूरा गाँव सूखा पड़ गया है। अरे मुझे भी पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। अरे ये क्या, गुड्डू तो अभी सो गया है, लेकिन जब भी उठेगा फिर से पानी मांगेगा, फिर मैं ऐसे पानी कहाँ से लाकर दूंगी। अरे इस गर्मी ने तो हमें परेशानी कर दिया है, पानी के बगैर तो हमारे सारे काम अधूरे हैं, ना हम बर्तन धो सकते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं, ना खाना बना सकते हैं, और तो और सबसे बड़ी बात कि हम सबको जब प्यास लगेगी तो हम पानी कहाँ से पिएंगे। देखिए गायों भी प्यास से कराह रही है। अरे ये क्या, जितना हम पानी का सोचते हैं उतनी प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है, अब तो मुझे भी पानी की प्यास लग गई है। अरे नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि हमारे घर में एक बूंद पानी नहीं रहेगा। चलो यहाँ पर बैठकर कुछ सोचते हैं। और तभी चमेली, पिंकू, पिंकी आ जाते हैं। अरे पायल, सीता, जरा मुझे जार भर के तुम पानी दे सकती हो, हमारे घर में एक बूंद पानी नहीं है। अरे ये क्या चमेली जी, आपके भी घर का पानी खत्म हो गया है। अरे ये क्या, आपके भी मतलब आपके घर में भी पानी नहीं है। अरे नहीं, बड़ी उम्मीद के साथ मैं आपके घर पर आई थी कि मुझे यहाँ से पानी मिल जाएगा। अरे पायल, सीता, अब हम क्या करेंगे। अरे चमेली मासी, पानी मिला, पानी मिला,
मुझे बहुत जोर से प्यास लगी हुई है। अल्लाह मम्मा, सबसे पहले मुझे दो, इस चिमकांडी को नहीं, मुझे पानी दो, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। अरे आओ महारानी साहिबा पिंकी जी, आओ आओ। प्रीति तो घर में आराम कर रही है और तुम मुझे परेशान कर रही हो। अब मैंने तुम्हारी वजह से पूरा गांव छान लिया है, लेकिन अब मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा है। अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, चलो मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ। नहीं 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 चमेले मासी, अब ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मुझे और प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है। चमेले मासी, आपको मेरे वास्ते पानी का इंतजाम करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। मेरा गला बहुत सूख गया है, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। मामा मामा, पानी पानी। चुप रह जाओ, चुप रह जाओ। पहले हम पानी नहीं होने की वजह से परेशान हैं और तुम इतना बेसुरा रो रही हो, कहीं मेरे कान के पर्दे ना फट जाएं। अरे पिंकी बेटा प्लीज रोना बंद करो, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, हम पानी का इंतजाम कर लेंगे। पिंकी बेटा प्लीज चुप रह जाओ, नहीं तो गुड्डू उठ जाएगा। अच्छा ठीक है सीता आंटी, आप कह रही है तो मैं चुप रह जाती हूँ, लेकिन आपको मेरे लिए प्यास बुझानी होगी, मुझे कहीं से भी पानी ला कर दीजिए, मुझे पानी की प्यास लगी हुई है। चलो मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ, आप जाकर इंतजाम कीजिए पानी का, जाओ जाओ। अरे अब आप ऐसे क्यों खड़ी है, जाइए ना पानी का इंतजाम कीजिए ना, मैं और थोड़ी देर से लोना स्टार्ट कर दूंगी, मुझे पानी चाहिए। अरे पिंकी बेटा तुम सिर्फ 5 मिनट चुप रह जाओ, हम वही तो सोच रहे हैं कि पानी का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अरे पिंकू, शॉली टूम और टुमाली मम्मा हमारे घर पर पानी लेने के लिए आए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे घर पे भी पानी नहीं है। मम्मा और सीता मासी सुबह परेशान हो रहे हैं। अरे हाँ सुहाना, मैं समझ सकता हूँ। अरे सुहाना, पिंकू मुझे भी पानी की बहुत ज्यादा प्यास लग गई है, अब हम क्या करेंगे सुहाना, कुछ तो कहो। और तभी नींबू शरबत वाला आ जाता है। ए चला नींबू शरबत वाला, एक बोतल 10 रुपए की, नींबू शरबत वाला, नींबू शरबत वाला, एक बोतल 10 रुपए की, इस कड़कती गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ, नींबू शरबत पियो। अरे ये क्या दीदी, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने हमारी दुआ सुन भी ली है। देखिए नींबू शरबत वाला आया है, मैं अभी उसे रोकती हूँ। अरे नींबू शरबत वाले भैया रुक जाइए। अरे हाँ मैडम बोलिए, आपको भी लेमन जूस की बोतल चाहिए क्या? देखिए मेरे पास तो कितनी सारी बोतल है, बोलिए आपको कितनी बोतल दूँ। मैं तो दो दो बोतल पीऊंगी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी हुई है। लेमन जूस वाले अंकल सबसे पहले मुझे एक बोतल दो। अरे वाह दोस्तों, अब तो लेमन जूस वाला आ गया है, अब अगर हम एक भी बोतल पी लेंगे तो हमारी प्यास बुझ जाएंगी। अरे मम्मा मुझे भी एक बोतल चाहिए। अरे वाह भाई वाह, ऐसा लगता है आज मेरी सारी लेमन जूस की बोतल बिक जाएंगी। अरे वाह वाह, आज तो मेरी बहुत तगड़ी कमाई होने वाली है। बोलिए मैडम, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको कितनी बोतल दूँ? अरे दीदी कितनी लेमन जूस की बोतल लेना है? अरे सीता गायों मिलाकर 7 हो रहे हैं, तुम 7 बोतल ले लो, हम गायों को भी लेमन जूस ही पिला देंगे। अरे वाह दीदी, आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, गायों भी लेमन जूस पियेंगी ना तो उसकी प्यास बुझ जाएंगी। अरे भैया पूरे 7 बोतल निकाल दीजिए। अरे चमेली मासी अभी तो कुछ बोलिए, कहीं लेमन जूस की बोतलें खत्म ना हो जाए, मेरी मम्मा मेरे लिए और ये चार भर के भी लेमन जूस लेकर जाते हैं घर पर। अरे भैया हमारे लिए 4 बोतल निकालिए। अरे मैडम आप सब आराम से बैठ जाइए, मेरे पास बहुत सारी लेमन जूस की बोतलें हैं, रुकिए मैं आप सबको देता हूँ। ये लो मैडम आपकी बोतल, ये लो प्यारी सी बच्ची तुम्हारी लेमन जूस की बोतल। अरे अंकल मुझे भी तो जल्दी से। अरे हाँ बेटा रुको अभी देता हूँ। अरे वाह ऐसा लगता है आज मेरी सारी लेमन जूस की बोतलें बिक जाएंगी। हो, 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 हो। अरे चलो अब जल्दी से लेमन जूस की बोतल को खोलती हूँ और गुड्डू को पिलाती हूँ। लेमन जूस पीऊंगा पीऊंगा, ये ये टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी। और यहाँ पर गुड्डू लेमन जूस पीने लगता है। चलो अब गायों के टब में भी लेमन जूस डाल देती हूँ। ये लो प्यारी सी गायों, घर में पानी नहीं है, तुम लेमन जूस ही पी लो। और यहाँ पर गायू लेमन जूस पीने लगती है। अरे वाह गायू तो कितने अच्छे से शरबत पी रही है। चलो अब माँ जी को भी नींबू शरबत दे देती हूँ। चलो पानी नहीं तो नींबू शरबत ही सही, चलो पीती हूँ, बहुत प्यास लग गई है। अरे वाह वाह, ये नींबू शरबत तो कितना ज्यादा मीठा मीठा है, और पीती हूँ। नींबू शरबत तो बहुत टेस्टी है, पिंकू तुम भी पियो ना। अरे हाँ सुहाना अभी पीता हूँ। अरे वाह चुहाना तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, नींबू शरबत तो बहुत टेस्टी है।
अरे वाह, अब जाकर मेरी प्यास बुझे, कितना अच्छा लग रहा है। अरे वो चमेली मासी, आपने अभी तक जाल क्यों नहीं भरा है? अरे हाँ पिंकी, डालती हूँ, तुम्हें तो हर चीज की बहुत जल्दी रहती है। चलो अब जल्दी से ये नींबू शरबत जार में भर देती हूँ। आखिर घर पर प्रीति और प्रिया भी तो बहुत प्यासे है। अरे वाह, चलो नींबू शरबत से तो जार भर गया है। अरे वाह वाह चमेली मासी, ये हुई ना बात। अरे चलो अब जार के ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ। अरे वाह सीता, ये नींबू शरबत तो कितना ज्यादा टेस्टी है, मैं तो और एक लेमन जूस की बोतल पीऊंगी। चलो पहले ये तो खत्म कर लेती हूँ। अरे भैया, अब मुझे भी एक लेमन जूस की बोतल दे दो। अरे हाँ मैडम, रुकिए अभी आपको देता हूँ। ये लीजिए मैडम आपकी लेमन जूस की बोतल। अब चलो जल्दी से पीती हूँ। अरे वाह वाह, अरे वाह भैया, आपकी लेमन जूस की बोतल तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। अरे हाँ मैडम, हमारा यही तो काम है, क्योंकि हम पूरा ओरिजिनल बनाते हैं, कोई भी मिलावट नहीं करते हैं। चलिए मैडम, अब लाइए मेरे पैसे दे दीजिए। अरे हाँ भैया, मैं तो ये भूल ही गई, रुकिए मैं अभी आपको पैसे लाकर देती हूँ। अरे चलो मैं भी भैया को पैसे दे देती हूँ। अरे भैया ये लीजिए आपके पैसे। अरे भैया ये लीजिए आपके पैसे। अरे वाह, चलो मैंने भैया को पैसे तो दे दिए हैं, अब चलो नींबू शरबत पीती हूँ। अरे वाह भाई वाह, मेरे तो सारे लेमन जूस की बोतलें बिक गई है, आज तो मेरी बहुत तगड़ी कमाई हो गई है। चलो अब यहाँ से चलता हूँ। और यहाँ पर सब नींबू शरबत पीने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।